सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई स्ट्रेटजी, नई तो नहीं मतलब पुरानी है, पर TH10 की वन ऑफ दी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो है, और वो है हमारी ये, क्या नाम है इसका, जेप विच। तो आर्मी को पोजीशन देख लो, हमारे पास है 7 वॉल ब्रेकर्स, 1 विजर्ड है, 3 गोलम, 11 विच और लाइटनिंग अर्थक्वेक है हमारे पास, और एक प्रीस्ट। और क्लैन कैसल में चाहिए आपको बस एक पैका और एक पॉइजन, और हीरोज तो हैं हमारे पास। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कितने हिट्स किए हैं और कितने परसेंटेज निकाले। जैसे कि ये मैंने आज किया है, तो ये वाला कुछ खास नहीं किया, और इस वाले में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारे पास 84% पे 80, 85, 100, 81, 97, 89, 88, 100, ये सारे के सारे मैंने जब इससे किया। तो बहुत ही बढ़िया आर्मी है ये, इससे ट्रिपल्स बड़े आराम से निकलते हैं और ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है अटैक के लिए। तो मैं आपको एक सीधा सा एक अटैक दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें तो इन्फर्नो तोड़ना है, और हाँ ये ज़्यादा फैले हुए बेसिस पर काम नहीं करता, मतलब जहाँ पर चीज़ें एकदम बाहर बिल्डिंग्स पड़ी रहती है ना कचरे की तरह, उसके ऊपर ये आर्मी काम नहीं करेगी, जिसकी चीज़ वो बिखर जाते हैं। कंपार्टमेंट बेस नहीं, एक बढ़िया सा बेस चाहिए होगा हमें, एक बेस ढूंढते हैं। चलो हम लोगों को एक काम चलाओ, बेस तो मिल गया, ये सारे बेसिस पर ये आराम से निकाल सकता है। हम लोग सबसे पहले इन्फर्नो डाउन करना, क्योंकि इस आर्मी को खाली इन्फर्नो ही दिक्कत देता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले इन्फर्नो हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, और क्वीन भी मिल जाएगी उसी के साथ, और एक अर्थक्वेक देंगे, और उससे ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली। यहाँ पर करेंगे हम लोग सेफ, एक अर्थक्वेक हो गया, बस सही साइड से अटैक कर देना, ऊपर से अटैक करें या नीचे से, नीचे से कर देते हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पर 3, 3, 4, 4 बजे विच को छोड़ना है। यहाँ सी सी हीरोज, यहाँ से वॉल ब्रेक, यहाँ से वॉल ब्रेक, वॉल ब्रेक, तो ये भी खुल गया। एक और वॉल, अरे यार ये वाला वॉल नहीं खोलना था, अंदर वाला वॉल खोलो, यानी देखते हैं आर्मी अंदर घुसती है, आर्मी अंदर आ गई, स्केलेटन के ऊपर पॉइजन। और सीसी में जितना हाई लेवल का पैका होगा उतना सही है। देखते हैं ये अटैक कहाँ तक जाता है, यहाँ पर एक विजर्ड टावर है जो दिक्कत दे रहा है। किंग एबिलिटी टाउन हॉल तो निकल जाएगा, क्वीन राइट साइड जाएगी विजर्ड टावर के पास, नहीं लेफ्ट, बाकी भाई यार राइट पे जाना था इसे, कोई नहीं, ये वाला कंपार्टमेंट प्लीज, कंपार्टमेंट करो, बस तमाशा देखना है और कुछ नहीं। गोलम वोलम खत्म हो गए लगता है, गलत साइड से अटैक कर दिया मैंने, कोई नहीं, काफ़ी कमज़ोर बेस तो नहीं था, बस वो छोड़कर बाकी सब तो मैक्स किया ही होता इसने। देखते हैं परसेंटेज कितना निकलेगा, ट्रिपल तो नहीं होने वाला, कैसे भी अटैक करो 80% तो ये निकाल कर ही देता। चलो एंड कर देते बैटल, अगर मैंने देखा कितनी पावरफुल आर्मी है ये, जब अटैक ख़राब भी हो जाए उसके बाद भी आपको 80% निकाल कर दे ही देती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा डालो।